बलतरपुर में पुलवामा के शहीद की पत्नी को नंगा कर दिया, उसके सारे चीज लूट के ले गए, तो पुलिस से बड़ा गुंडा तो मुझको लगता है कोई है ही नहीं। जो कभी शराब के नाम पर गांव के लोगों को गोली मार देती, जैसे मार दिया शराब के खोलने में जाके एक यंग लड़के को, वीडियो ले रहा था, गोली मार दी। बाबू वीर कुमार सिंह के परिपोत्र को पुलिस मार देती है, उसके लिए नहीं होता। हिलसा में पुलिस गुंडों की तरह जाती है, आज तक सस्पेंड नहीं हुआ, डिस्चार्ज नहीं हुई, इंक्वायरी नहीं हुआ। रात भर नदा में जाकर के नंगा तांडव किए, सब कुछ लूट के ले गया, महिलाओं के कान, गहने, मंगलसूत्र, 50,000 रुपया, सारे घरों को तोड़ दिए गए, कार्रवाई नहीं हुई। क्रिमिनल और गुंडे से भी बड़ा गुंडा। सवाल, यदि मंत्री पर कोई फायर चला दे और उस पर सुरक्षा व्यवस्था पर कोई कार्रवाई नहीं हो, बच्चों के गुस्से पर कार्रवाई नहीं किए वो बेहतर की, लेकिन ये चूक कहाँ है, इस पर कोई जांच क्यों नहीं हुई? सुना है आपने, कोई जांच नहीं होना, कल तो कोई पीएम और सीएम को मार देगा। इससे नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए तो सही नहीं है ना, कोई पीएम को मार दे, सीएम को मार दे। विपक्ष तो चलिए महंगाई पर कोई चर्चा भी नहीं कर रही, उन्हें हेलीकॉप्टर से चुनाव, एमएलसी का भी चुनाव, उनको पलभलपुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, हिलसा की घटना में जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, बलथर जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता है, चानन में बच्चियों के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, 3 दिनों में 3 मुखिया की हत्या हुई उसके लिए नहीं होता, दीपक मेहता की हत्या नरसंहारों के रूप में पॉलिटिशियन और जमीन माफिया के द्वारा कर दिया जाता है उसके लिए नहीं होता। कल 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल के दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपया, 1 अप्रैल 2014 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, और कल 1 अप्रैल था, उन्होंने 2014 के बाद 15,000 लाख रुपया लेने का वादा कर लिया। फर्स्ट, कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपये, टोल टैक्स 10 से 65 रुपये, दवाइयाँ 800 से ज़्यादा 10.7%, वाहनों का इंश्योरेंस 5%, FMCG उत्पाद 10%, स्कूल फीस 10 से 15%, पेट्रोल डीजल 6.40, घरेलू LPG 50, और चर्चा परीक्षा, मतलब 2 रुपया पर किलोमीटर टैक्स, 60 किलोमीटर 120 रुपये, जितना भाड़ा नहीं उससे ज़्यादा वसूली, तो किसान तो मर गए, छात्र की फीस भरी मर गए, मोटरसाइकिल वाले मिडिल क्लास मर गए। रामदेव ने कहा था 30 से 40 रुपया नरेंद्र मोदी के बाद पेट्रोल डीजल, और हम 130-40 बढ़ गए। आप हमको बताइए, तो क्या दुनिया, अब तो मौत है ना महिलाओं की, 1150 रुपया गैस, दूसरा कल वो परीक्षा की मन की बात कर रही, तो उनको मन की बात करना चाहिए NBCC रेलवे का क्या हो, जिस पर लाठी गोली चलाई उन्होंने, ग्रुप डी का क्या हुआ, आर्मी बहाली का क्या हुआ। तो मन की बात आप जो वादा करते हैं वो क्यों नहीं करते? हमारी पार्टी, विपक्ष तो चलिए महंगाई पर कोई चर्चा भी नहीं कर रही, उन्हें हेलीकॉप्टर से चुनाव, MLC का भी चुनाव,
उनको पलबलपुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, हिलसा की घटना में जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, बलथर जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता है, चानन में बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, तीन दिनों में तीन मुखिया की हत्या हुई उसके लिए नहीं होता, दीपक मेहता की हत्या नरसंहारों के रूप में पॉलिटिशियन और जमीन माफिया के द्वारा कर दिया जाता है उसके लिए नहीं होता, बाबू वीर कुमार सिंह के परिपुत्र को पुलिस मार देती है उसके लिए नहीं होता, हिलसा में पुलिस गुंडों के तरह जाती है, आज तक सस्पेंड नहीं हुआ, डिस्चार्ज नहीं हुई, इंक्वायरी नहीं हुआ, रात भर नदा में जाकर के नंगा तांडव किए, सब कुछ लूट के ले गया, महिलाओं के कान गहने मंगलसूत्र 50,000 रुपया सारे घरों को तोड़ दिए गए, कार्रवाई नहीं हुई, क्रिमिनल और गुंडे से भी बड़ा गुंडा, हमें तो लगता है कि अंग्रेज से भी खतरनाक, पर नॉन वेलेबल धारा लगा देते हैं, ये दोनों कानून की समीक्षा हो और ये परेशान करने का विरोधियों का सबसे बड़ा स्टूल बन गया है, हम ऐसे चीजों का विरोध करते हैं, न्यायालय का सम्मान के लिए हम आज कोर्ट आए। नीतीश जी को जो बदकारपुर में आए थे उनको मुक्का खाना पड़ा था युवक में जो गुस्सा नहीं, मैं देखिए गुस्सा तो बहुत है देश में, सब पर गुस्सा है, सबसे ज्यादा गुस्सा तो आज आप 3 गुना 4 गुना 130 रुपया 113 रुपया कर दिए डीजल पेट्रोल, आप किसानों पर बोझ और महिलाओं पर बोझ छात्रों पर बोझ डाल रहे हैं, तो गुस्सा तो जहर की तरह है, सब मस्त है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर गुस्सा है, आप बात ही नहीं कर रहे आम आदमी की, मस्त है पॉलिटिक्स करने में, तो लड़ाई बहुत साफ है, गुस्सा का इजहार करने में दिक्कत नहीं है, सबसे पहला सवाल है कि नीतीश जी की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी चूक क्यों हुई, अभी तक सुरक्षा व्यवस्था में कोई सस्पेंड क्यों नहीं हुआ, उसकी कौन है, इसके पीछे साजिश क्या है, सवाल यदि मुख्यमंत्री पर कोई फायर चला दे और उस पर सुरक्षा व्यवस्था पर कोई कार्रवाई नहीं हो, बच्चों के गुस्से पर कार्रवाई नहीं किए वो बेहतर किए, लेकिन ये चूक कहाँ है, इस पर कोई जांच क्यों नहीं हुई, सुना है आपने कोई जांच नहीं होना, कल तो कोई पीएम और सीएम को मार देगा, इससे नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए तो सही नहीं है ना, कोई पीएम को मार दे सीएम को मार दे, तो जांच आप किए नहीं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ आप बोले नहीं, जो कभी शराब के नाम पर गांव के लोगों को गोली मार देती, जैसे मार दिया शराब के खोजने में जाके एक यंग लड़के को, वीडियो ले रहा था गोली मार दी गया में और आरा में, एक लड़कियों को घसीट के मारा, बलथरपुर में पुलवामा के शहीद की पत्नी को नंगा कर दिया, उसके सारी चीज लूट के ले गए, तो पुलिस से बड़ा गुंडा तो मुझको लगता है कोई है ही नहीं, अब पुलिस का कोई विकल्प बन सकता है क्या सर, अब तो कोई अंतर, हाँ पुलिस का विकल्प तो जो जनता जो चुनती है सिस्टम तो वही चलाती, यदि आज यही पुलिस गुंडा बन गई है पप्पू यादव को ला दो यही पुलिस सुधार बन जाएगी, वही चेंज कर देगा दुनिया को, जो पुलिस पब्लिक पर गोली चला रही यही पुलिस कल गुंडे पर गोली चलाएगी, जो घटना घटी है अभी तक 18 आदमी की पलवलपुर में FIR हुआ जिसमें 7 ही आदमी गिरफ्तार हुए और आदमी दबंगों की ये स्थिति नालंदा जिले में जहां मुख्यमंत्री जी 17 साल रहे, क्यों नालंदा अभी तक आजाद नहीं हो पाया है दबंगों से, अपराधियों से, माफियाओं से, भ्रष्टाचारियों से, इसी नालंदा से हम बिहार और दुनिया को जब बोध ने संदेश दिया था
आप 17 साल इसी नालंदा से संदेश दे देते, दुनिया बदल देते। जब हम एक नालंदा के गांव को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सके, अपराधी माफिया नेताओं का नेक्सस है यहाँ, यहाँ लगता ही नहीं कि कानून का राज है, संविधान और लोकतंत्र बचा हुआ है। हम सस्पेंशन चाहते हैं उस पदाधिकारियों का जिसने 47 निर्दोषों पर केस किया, बच्चे को फेंक दिए, 5 बच्चों पर केस किया और फिर अपराधी के पत्नी से केस करवाए, डरा रही है। इसीलिए हमारी पार्टी, हम चुप नहीं बैठे हैं, हम लगातार नदों के इशू पर हम बात काम कर रहे हैं। पलवलपुर पर मेरी पूरी निगाहें हैं, हम छोड़ेंगे नहीं और डराने भी नहीं देंगे। हमारी पार्टी टोल टैक्स के खिलाफ, एक सप्ताह के बाद जब आप ये 10 से 65 रुपया जो आप बढ़ाए हैं वापस नहीं लिए, तो टोल टैक्स के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन हमारे नेता करेंगे और जरूरत होगी तो टोल टैक्स बंद भी करेंगे। हम किसानों पर और आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। फाड़ी लेके जाएगा, अपना सामान लेके जाएगा, उसको भी आप बोझ डाल दीजिए। हम बाजार जाएंगे अपना सामान लेके, उस पर भी बोझ डालिए, ये तो नहीं हो। और हम अपील करते हैं कि रामदेव जो वादा किए थे, हम देख रहे हैं कानूनी लॉयर से भी हमने बात की है, इसके खिलाफ कोर्ट में क्या बनता है, ये वादा किया था हमें वोट दो मोदी आएंगे तो 30 से 40 रुपये। हम अपील करते हैं कि उसके जितने दुकान है उसका बहिष्कार करे पब्लिक, ऐसे लोगों का। इसे हम NVCC रेलवे जैसी रोजगार, महंगाई जैसी चीजें और अपराध माफिया जैसी चीजों को मैं, हम MLC अपराधियों को से पैसा लेकर के हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं आए। हम आए हैं बिहार के 14.5 करोड़ जनता के अधिकार की को सुरक्षित करने के, उसकी लाइफ के लिए, दलित कमजोर तबकों के अधिकार के लिए, वंचितों के अधिकार के लिए। इसीलिए हम नालंदा से अपराधी और माफियाओं को नष्ट नाबूद देखना चाहते हैं। दबंगों की दबंगई कम से कम गरीब कमजोर तबके पर हम मिटा देना चाहते हैं।